आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसको एथलेटिक इंजरीज भी कहा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स इंजरीज का मीनिंग। इंजरीज विच अकर एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर नोन एज स्पोर्ट्स और एथलेटिक इंजरीज। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से जो इंजरीज होती हैं उनको स्पोर्ट्स या एथलेटिक इंजरीज कहा जाता है। अब आगे स्पोर्ट्स इंजरीज की टाइप्स आ जाती हैं। ये मेनली फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्किन इंजरीज, सेकेंड इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, थर्ड जॉइंट इंजरीज एंड फोर्थ इज बोन इंजरीज। तो सबसे पहले स्किन इंजरीज के बारे में जानेंगे। स्किन इंजरीज भी आगे फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है अब्रेशन। ये जो इंजरी है ये रफ सरफेस पे गिरने से होती है। रफ सरफेस पे गिरने से हमारी जो स्किन है वो छिल जाती है, तो इसी को अब्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है लासरेशन। इसमें क्या होता है, जो स्किन है वो फटने लग जाती है। ये मेनली किसी शार्प ऑब्जेक्ट के हमारी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आने से होता है। इसके बाद आता है इंसिशन। इंसिशन जो होता है वो हमारी स्किन में एक तरह का कट होता है जो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के एज लगने से पड़ जाता है। नेक्स्ट इज पंचर वाउंड। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे एक शार्प ऑब्जेक्ट के लगने से गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, वैसे ही हमारी स्किन में भी पंचर आ जाता है। किसी भी तीखी चीज़ या फिर नेल के लगने से हमारी स्किन में एक स्मॉल होल बन जाता है, जिसको पंचर कहते हैं, पंचर वाउंड कहते हैं। लास्ट में आता है अवल्शन। इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन का एक पार्ट ही अलग हो जाता है, मतलब हमारी स्किन का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी से अलग हो जाता है। तो स्किन इंजरीज के बारे में पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की ओर। तो इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, इनको भी बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है कंट्यूशन। कंट्यूशन को हिंदी में नील कहा जाता है। डायरेक्टली चोट लगने के कारण हमारी स्किन के कुछ पार्ट में अंदरूनी चोट लग जाती है, तो उसमें नीले कलर का निशान पड़ जाता है, जिसको नील कहते हैं, यानी इंग्लिश में कंट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन जो है वो हमारे लिगामेंट की इंजरी होती है। जॉइंट में जो लिगामेंट्स होते हैं उनके ओवर स्ट्रेच या फिर टॉर्न होने से या फट जाने से जो लिगामेंट में इंजरी आती है उसको स्प्रेन कहते हैं। ये इंजरी मेनली एंकल्स पर पड़ती है। थर्ड नंबर पर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो मसल या फिर टेंटन की इंजरी होती है। जब हमारे मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। आगे स्ट्रेन की भी कई सारी टाइप्स होती हैं, तो इनको हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं जॉइंट इंजरीज की ओर। तो जॉइंट इंजरीज में डिसलोकेशन आता है, यानी जॉइंट्स का डिसलोकेट होना, जॉइंट्स का अपनी जगह से हिल जाना। दो बोन्स जो एक दूसरे के साथ जॉइंट्स के रूप में कनेक्टेड होती हैं उनमें से किसी एक का डिसप्लेस हो जाना, डिसलोकेशन कहलाता है। आगे चौथे नंबर पर आता है बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर्स आते हैं जिनमें बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, एक या उससे ज़्यादा बोन ब्रेक होती है तो उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। फ्रैक्चर्स भी कई तरह के होते हैं, इनको भी हम किसी और वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।